ये जीता जागता उदाहरण है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर आप अपने जांच टीम पर भरोसा नहीं कीजिएगा। निपा पोती ना होकर दे वो लोग वहाँ के शासन से मिलकर, क्या आप एक बार जमुई आइए, पवन यादव और दास परिवार से मिलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नीतीश जी, आपसे आग्रह है कि आप अपने अधिकारियों पर भरोसा मत करिए, आप अपने जांच टीम पर भरोसा मत करिए, वो लीपा पोती कर सकते हैं। आप स्पॉट पर आइए, आप जमुई आइए और देखिए कि यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ है, लोगों के साथ क्या हुआ है तमिलनाडु में। दरअसल ये सारे बोल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के हैं। पप्पू यादव जमुई पहुंचते हैं और आपको बताया कि तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारी मजदूरों के साथ, बिहार वासियों के साथ अत्याचार हो रही है, उनके ऊपर कातिलाना हमले हो रहे हैं, जिसे लेकर बिहार से लेकर देश भर की राजनीति गरमाई हुई है, इसमें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और वो आज जमुई पहुंचते हैं, जहाँ तमिलनाडु में रह रहे जो लोग हैं उनके परिवार वालों से मिलते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री जी, आप सबसे यही आग्रह है कि आप बैठकर राजनीति जो कर रहे हैं, आप सदन में जो राजनीति कर रहे हैं, उसे ग्राउंड में लाइए और ग्राउंड पे आकर देखिए कि यहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपको कोई कह देता है कि ये सारी चीजें अफवाह है तो आप उनकी बात सुन लेते हैं और आप ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते हैं। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से यह आग्रह करूंगा कि आप अपने जांच टीम, अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं करिए, वो लीपा पोती कर सकते हैं। आप खुद जमुई आइए और देखिए कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि यहाँ के लोगों को, जो जिनके बच्चे तमिलनाडु में थे, जिनके परिवार वाले तमिलनाडु में थे, उन लोगों को 25,000 रुपए का मदद दूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, महागठबंधन की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। आए थे हम ट्रेन जाने से मन रोक दिए थे। ऐसा क्या विषम परिस्थितियां होती है कि बिहार के ही मजदूर के साथ घटना घटती है सर? सर 1.25 करोड़, पहले तो आप ये समझिए, 1,32,00,000 मजदूर सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, और ये जो गरीबी, सबसे ज्यादा गरीबी जमुई, आप समझने का प्रयास करिए, जंगल का जो इलाका है और बालू और नदियों के बगल का, दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब, आप इसको समझिए। और मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, और ये जीता जागता उदाहरण है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर आप अपने जांच टीम पर भरोसा नहीं कीजिएगा। निपा पोती ना होकर दे वो लोग वहां के शासन से मिलकर, क्या आप एक बार जमुई आइए, पवन यादव और दास परिवार से मिलिए, एक बार झारखंड जाइए, इन लोगों को 2 दिन पहले 2 हत्या वहां पर तमिलों ने की, 2 दिन के बाद मेरे पवन यादव की हत्या, 20 साल पहले जो लोग थे वहां उनके साथ मिलकर तमिल ने कर दी। अब आप हमको एक बात बताएं कि ना तो आप लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार को अविलंब स्पेशल ट्रेन की मांग करनी चाहिए। केंद्र सरकार कितने ढीठ है, जब बंगाल में कोई घटना घटती है तो आप अविलंब राष्ट्रपति शासन के लिए तैयार हो जाते हैं, और बिहारियों पर जब जुल्म होता तो आप एक बार आप नहीं आते हैं। आप हमको बता दीजिए काहे, इससे बड़ा जुल्म कुछ है दुनिया में? आप हमको बता दीजिए, इससे बड़ा अत्याचार है? इसीलिए हम अपनी पार्टी की ओर से एज ए परिवार हम 25,000 रुपया विधवा को हाथ में दिए हैं, इनके दोनों भाई को नौकरी हम प्राइवेट में जिस बड़े लेवल पर हो सकता है मैं लगाऊंगा, मेरे भाई को भी, इसके भाई को भी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट जाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ कि पहले मैं ये इस धृतराष्ट्र लोगों को, ये चोर चोर मसेरे भाई, ये बीजेपी वाले सदन में जो राजनीति कर रहे हैं, उनको कहिए कि गुजरात, महाराष्ट्र और असम की इंक्वायरी आज तक क्यों नहीं हुई, और बिहारी कब तक इस्तेमाल हो गए।